वेलकम टू चैनल। और आज मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। उसका टॉपिक है, क्या आपकी पर्सन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको मिलने वाला है। सो अगर रीडिंग आपको मिली है तो ये आप ही के लिए। और जनरल रीडिंग है गाइस, अगर आपके साथ मेरी रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप इस रीडिंग को आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। किसी भी रिगार्डिंग लव, कैरिज, फाइनेंस, मैरिज लाइफ, किसी भी चीज़ के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और एक टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी रीडिंग मिलेगी आप तभी से आप इस रीडिंग को देखना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है इस रीडिंग में। नॉन ऐसी क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आने वाला है। सबसे पहले मैं उनकी एनर्जीज देखूंगी, कैसी एनर्जीज आ रही है इस वक्त, किस तरीके से आपके जो पर्सन है वो फील कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी आपके जो पर्सन है एक तरीके से मुझे ऐसे फेज ऑफ टाइम एक उनकी लाइफ में मैं कहूँगी मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई चेंज मुझे उनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सडन चेंज जो उनकी लाइफ में एक तरीके से कहूँगी टर्निंग पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके दुखी हो रहे थे या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स से वो डील कर रहे थे, कि जैसे आपके और उनकी रिलेशनशिप में एक सडन टर्निंग पॉइंट आया कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, जिसकी बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। आपके जो पर्सन थे उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और आप लोग का जो रिलेशनशिप था वो डिस्टर्ब हो गया। मुझे ऐसी पास्ट की एनर्जीज मिल रही है। हो सकता है आपके जो पर्सन है उनके बिहेवियर में आपको एक सडन चेंज देखने को मिला हो, कि सडन चेंज जो पहले उनका बिहेवियर आपको ऐसा नहीं लगता होगा बट एक सडन चेंज आया जिससे आपको उनका बिहेवियर अलग अलग सा लगने लग गया हो, या फिर उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हो, फिर हो सकता है उन्होंने कुछ केसेस में आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपसे किसी भी तरीके से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते थे, या फिर अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते थे तो वो आपको एक सही तरीके से रिप्लाई नहीं देते थे, या फिर सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, या फिर सही तरीके से मैं कहूँ आपको जवाब नहीं देते थे, या फिर आपको ऐसा फील होने लगा था कि आपको कोई वैल्यू नहीं रह गई है जितनी वैल्यू आपकी पास्ट में हुआ करती थी, स्टार्टिंग में हुआ करती थी आप लोग की रिलेशनशिप की शुरुआत में, जिस वजह से हो सकता है आपको भी थोड़ा सा हर्ट हो गया, आप भी परेशान हो गए, आप भी अपनी लाइफ में एक तरीके से मैं कहूँ प्रॉब्लम फील करने लगे थे अपने पर्सन की वजह से। और एक चेंज आया जब आपके पर्सन, हो सकता है आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हो टोटली, या आप लोग बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन जोन में आ गए, बिल्कुल ही दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, या फिर हो सकता है आप लोग के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया कि एक तरीके से आपके जो पर्सन थे वो टोटली आपको एक अननोन पर्सन मानने लग गए, और फिर आप लोग के बीच में बिल्कुल हो सकता है बातचीत बंद हो गई हो, जिस वजह से आज आपके जो पर्सन है उन पर भी इफेक्ट पड़ा है। वो भी मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, वो भी मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से जो उन्होंने पास्ट में ले लिया, जिस पे उन्होंने किसी ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट किया, किसी ऐसे पर्सन की बातों पर ट्रस्ट किया जिस पर उन्हें नहीं करना चाहिए था, किसी ऐसे पर्सन को उन्होंने सपोर्ट कर दिया जिसने उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर मैं आपकी बात करूं कि आपकी जो फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी थी, तो मैं कहूंगी हमेशा से ट्रू थी, प्योर थी। उनकी फीलिंग भी आपके लिए हमेशा ट्रू और प्योर थी, बट एक चेंज आया जिसमें आपके पर्सन की एक ऐसी मिस्टेक हो गई, या फिर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो आपके रिलेशनशिप के लिए टावर रिकॉर्ड की तरह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और हो सकता है अब आप लोग के बीच में मैं कहूँगी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप एक दूसरे से बिल्कुल टोटली ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो और वेट कर रहे हो एक दूसरे का, वो भी अपनी लाइफ में आपका मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप भी मुझे अपनी लाइफ में उनका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। हो सकता है पास्ट में आपके जो पर्सन है किसी तरीके से आपसे झूठ बोला हो, या फिर आपको अवॉइड करा हो, जो आपको भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ था, इस वजह से आप भी थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हो। बट उस वक्त आपके जो पर्सन थे वो एक अंडर कंट्रोल में थे, अंडर प्रेशर में थे एक तरीके से, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ गए थे, किसी थर्ड पर्सन के कहे पे ही चल रहे थे, किसी थर्ड पर्सन के कहे पर ही मैं कहूँगी मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही पास्ट की, वो वर्क कर रहे थे जैसा कोई थर्ड पर्सन कह रहा था, अपने अकॉर्डिंग भी उन्हें चला रहा था, उसी तरीके से वो चल रहे थे। और आज वो इस कंडीशन में आ गए कि वो इतने ज़्यादा उदास हो गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि अपने एक तरीके से समझ में चीज़ें सारी दिखाई दे रही बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो इसीलिए मैं कहूँगी बहुत लॉन्ग टाइम से वे डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, उन कंडीशंस से बाहर आना चाहते थे, पास्ट की जो उनकी बुरी कंडीशंस रही उनसे वो बाहर आना चाहते थे, एक हैप्पी कंडीशंस में जाना चाहते थे, अपने पास्ट के पार्टनर के पास वापस जाना चाहते थे, क्योंकि अब वो आपकी कंडीशंस को समझ रहे हैं, अब वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप ठीक थे और जो थर्ड पर्सन था वो ठीक नहीं था,
किसकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए था, कौन ऑनेस्ट है, किसने हमेशा से उन्हें सपोर्ट किया, और आज वो जब अकेले हो गए हैं, लोन फील कर रहे हैं, तो उन्हें आपकी याद आ रही है, और आज वो आप ही के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो अच्छे तरीके से सारी असलियत को समझ चुके हैं, सारी रियलिटी से उनका सामना हो चुका है, कोई भी चीज़ अब उनसे हिडन नहीं रह गई, कोई भी सच्चाई उनसे छुपी नहीं रह गई है। वो थर्ड पर्सन की हो या फिर आपकी हो, वो हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो थर्ड पर्सन ने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और उसके अलग इंटेंशंस थे, उसके रॉन्ग इंटेंशंस थे, और आज वो अपनी लाइफ में अकेले हो गए। उन्होंने एक अच्छा खासा पर्सन, जिस मैं आपकी बात कर रही हूँ, उन्होंने एक अच्छा खासा पर्सन अपनी लाइफ में, एक तरीके से उन्हें ऐसा फील होता है उन्होंने खो दिया है, जिससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, एक अच्छा, एक मैं कहूँगी रिलेशनशिप था उनका, उससे उन्होंने एक तरीके से डिस्टर्ब कर लिया है। हो सकता है आपके जो पर्सन है पास्ट में आपके साथ में कुछ ड्रीम्स देखते हों, फ्यूचर देखते हों, आप भी अपने पर्सन के साथ ड्रीम्स या फ्यूचर देखते हों, बट आज वो कंडीशंस सारी उल्टी हो गई हैं, वो सारी जो कंडीशंस है बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं रह गई कि आप तो फ्यूचर पॉसिबल समझो, और वो वरी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अब वो अपनी लाइफ को कैसे पहले से इतना बेहतर बनाए, फिर कैसे अब वो आपसे कॉन्टेक्ट करें, किस तरीके से अपने पास्ट की लाइफ को अब वो उस तरीके से करें जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में हुआ करती थी। बिकॉज अगर पास्ट की लाइफ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड मिल रहा है, द टेन ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, एंड द एज ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, यानी कि एक अच्छी सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी को बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बता रहे हैं कि टू पार्टनर्स के बीच में कितना अच्छा एक टाइम स्पेंड करा है उन लोगों ने, फिर कितना अच्छा टाइम रहा था उन लोग के बीच में, कितना ब्यूटीफुल था कि वो लोग एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते थे, सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते थे, चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट क्यों ना हो, फाइनेंशियल हो या फिर कोई भी सपोर्ट क्यों ना हो, हमेशा एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए तैयार रहते थे। अगर आपके पर्सन की बात हो तो वो भी हमेशा आपको सेफ देखना चाहते थे, कभी भी आपको अपनी किसी बात से परेशान नहीं करना चाहते थे, या फिर अगर आपको दूसरे से परेशान, कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आप लोग के बीच में स्मॉल स्मॉल से मैं कहूँगी डिस्टर्बेंस आता होगा, तो आप लोग फिर से दोबारा से बात करने लगते थे, या फिर मैं कहूँगी इतने लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग के बीच में कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं आया, बट अब आपके जो पर्सन हैं उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो सारे डिस्टर्बेंस को अब वो दूर करने वाले हैं अपनी लाइफ में, फिर से पास्ट की जो हैप्पी हैप्पी उनके पास मोमेंट्स है, हैप्पीनेस है, उसे वापस अपनी लाइफ में लेके आने वाले हैं। और आपकी लाइफ में भी अगर उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट किया है तो आपको लिए भी मैं कहूँ कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, आपकी लाइफ में वापस आके एक न्यू फ्रेश बिगनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उन्होंने अगर मैरिज का प्रॉमिस किया है, किसी भी चीज़ का प्रॉमिस किया तो अपने प्रॉमिस का वो फुलफिल करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करने के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करें और आपसे अपनी बातों को कहें, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बहुत जल्द आपके जो पर्सन है वो आपको कॉन्टैक्ट करें। बिकॉज अब आपके जो पर्सन है बिल्कुल भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हो, वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में वो चेंज लाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी एनर्जेटिक एनर्जी है मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि जब वो अपनी, उन्होंने अगर मन बना लिया है किसी चीज़ का तो वो उस पर अब गो थ्रू करना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पीछे नहीं देखना चाहते, पीछे किसी परेशानी को नहीं देखना चाहते, बस आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर अपनी और आपकी लाइफ को बिल्कुल सिक्योर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और अब वो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, और किसी प्रॉब्लम को अगर वो आएगी तो वो उसे फिनिश करना चाहते हैं। तो अब वो आपको, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा कि आपको कॉन्टैक्ट करें या फिर आपसे किसी भी तरीके से मिलने की कोशिश करें, या फिर आपको कॉल या मैसेज करें, या फिर आपने अगर कभी उन्हें कॉल या मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई कर दी। द लवर्स के कार्ड की एनर्जी है हमारे पास में, द लवर्स के मैसेज आया, यानी कि लवर्स का मैसेज, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की, जो फीलिंग्स है आपके लिए प्योर हैं, ट्रू हैं, लवर्स के कार्ड जितनी सुंदर हैं, एंड एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करना चाहते हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है उनकी आपके लिए, यानी कि हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको, अब एक तरीके से मैं कहूँगी, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था पास्ट में तो उसका भी उन्हें रिग्रेट है, और अपनी उस गलती को वो सुधारना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं, और कोई भी आगे मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। मैसेज, ओपन योर हार्ट टू रिसीव योर लव्स फ्रॉम द एंजल्स। सो एंजल की ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके लिए, जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, कि आपको बहुत जल्द एंजल्स ब्लेस करने वाली हैं, एंजल्स का लव मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा एक प्योर इंसान है आप, एक ऑनेस्ट पर्सन है, इस पर एंजल्स एक तरीके से मैं कहूँगी ब्लेस करने वाली हैं। मैं कुछ और मैसेजेस देखूँगी आपके पर्सन की तरफ से, क्या आपके जो पर्सन है वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको अपनी तरफ से।
सो मैं टू मैसेजेस लूँगी. यू आर माइंड फॉर एवर, प्लीज़ गॉड मेक अस टुगेदर. सो आपके जो पर्सन हैं, एक तरीके से मैं कहूँगी प्रे कर रहे हैं गॉड से कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, कभी भी दूसरे से दूर ना जाए. और आपके जो पर्सन हैं उनके लिए मैं एक और मैसेज देखूँगी, योर फेथ विल मेक योर ड्रीम्स ट्रू. सो आपके जो फेथ है अपने ऊपर, अपने गॉड के ऊपर, या फिर आपको जो बिलीव है गॉड के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने ऑनेस्टनेस के ऊपर, या फिर अपने एफर्ट्स के ऊपर जो अपने पास में ट्रूली पुट किए हैं, सो आपका जो भी ड्रीम है वो ज़रूर फुलफिल होगा, ज़रूर पूरा होगा. जो भी ड्रीम है आपका, जो भी आप ड्रीम देखते हैं, जो भी आप डिजर्व करते हैं. सो आई होप आपके साथ मीटिंग रेजोनेट हुई. अगर आपके साथ मीटिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड टिल टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे.